फाइल फॉडी फिर आ बेसिकली स्पॉन्जेस और नेचर मोस्टली मरीन और कुछ क्या होते हैं ये फ्रेश वाटर पाए जाते हैं अब इनके जनरल प्रैक्टिस क्या है बेटा इनके कोई जर्म लेर नहीं होती ना एंड्रोडम है, है ना एक्ट्रोडर्म है ना कोई मिजोडर्म है ठीक है और SSI, SSI मतलब है दे जैसे कि ये uh, किसी, की, किसी भी किसी भी सरफेस के साथ अटैच करके उसके साथ ये ग्रो करते हैं और ये मूव नहीं करते और

बेटा इसका जो जनरल सिक्स है स्केल्टन में दो पार्ट्स में आते हैं जैसे कुछ स्कैल्टन क्या होते हैं और कुछ आपके स्कैलटन सॉफ्ट रहते हैं, फाइब्रेस, उसको के बने होते हैं। अब बॉडी प्लान क्या है इसका बॉडी प्लान होता है कि बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ इंटेलिक पोर्स है और कैनल होते हैं अब इसमें आपके पास जो एक सेल्स होते हैं बेसिकली कौनोसाइड सेल्स होते हैं ये इसके ऊपर क्या फ्लैजला लगे होते हैं तो फ्लैजला क्या करते हैं ये वाटर के मूवमेंट को फ्लो करवाते हैं वाटर को फ्लो करवाते हैं इसमें बेसिकली इसके अंदर जो स्पॉन्जेस का जो अंदर होता है बेसिकली सड़पी सीढ़ी उस पर क्या कराते हैं फ्लो करवाते हैं और वाटर एंटर करता है पोर से अब जिस पोर से वाटर एंटर करता है बेटा स्पॉन्जेस उसको बोलते हैं डर्मल ऑस्ट्रिया

ये जो कॉर्नोसाइड होते हैं इनके जो फ्लैजलाज होते हैं बेटा ये वॉटर के मूवमेंट को आपका प्रोपेल करवाते हैं और वॉटर आपका ये जो स्पॉन्जेस के अंदर क्या करवाता है मूव करवाता है थ्रू द पोर दैट इज द डर्मल ऑस्टिया जैसे पानी अंदर एंटर करता है जो कोलर सेल्स होते हैं कॉनोसाइड के वो फूड क्या करते हैं कैप्चर करते हैं और जो पानी होता है फिर वहां से ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है इसे डायग्राम में देखिए बेटा ऑस्कुलम से पानी ऊपर जा रहा है ठीक है वाटर आपका देखिए फ्लो कर रहा है सेंटर में देखिए वाटर आपका सेकंड डायग्राम में जब आप देखेंगे तो वाटर आपका फ्लो कर रहा है तो जो कॉनोसाइड सेल दिखाई दे रहे हैं सेंटर में कॉनोसाइड सेल्स क्या कर लेते हैं बेसिकली इसके ऊपर फ्लैजला लगे हैं और जो कॉलर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं फूड क्या कर लेते हैं बेटा आपका फिल्टर कर लेते हैं ठीक है अब जो अंदर जो कैविटीज जो जहां पे आपका वाटर मूव करता है स्पोजिस को बोलते हैं स्पोन्जोसिल है, क्या बोलते हैं जिस अंदर की जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है बेटा ठीक है तो मतलब कि बाहर से पानी आ रहा है फिर स्पॉन्जो में जाता है सेल से फिर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है सिंपल सा मूवमेंट है बेटा बहुत सिंपल चीज है पानी बाहर से आ रहा है ठीक है पोर से एंटर करता है ठीक है पोर से एंटर करता है फिर उसके बाद ये वाटर आपका कोलर uh, सेल से फूड ले लेते हैं और फिर ये वाटर आपका स्पिजो से ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है क्लियर अब इसके बेटा आपकी जो सेल टाइप है इसमें एक तो है आपके पास कॉनोसाइट्स मैंने बताया कॉनोसाइड क्या करते हैं ये वाटर करंट जनरेट करते हैं वाटर की मूवमेंट को जनरेट करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं फ्लैजलाज होते हैं और ये फूड को कैप्चर फूड को फिल्टर करने से क्या करते हैं हेल्प करते हैं ठीक है जैसे आपको दिखा रहे हैं तो जैसे ही देखिए वाटर आपका आ रहा है ठीक है वाटर आपका मूव कर रहा है फ्लैजला की मूवमेंट की वजह से जब वाटर आएगा तो उसकी बेसिकली uh, क्या है जो फूड मॉलिक्यूल्स भी साथ आएंगे और फूड मॉलिक्यूल फिर

Side, जो आपका collagen क्या करता है? करता है, है। ठीक आप आ, आ, आप देखिए देखिए डायग्राम में बेटा, ये ये आपको आपको सबसे सबसे बेसिकली अगर ऊपर से शुरू होंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा अब ट हो सकता है बेटा काफी तरह के में। सबसे ऊपर आपको जो आउटर मेम्रीन पे दिखाई दे रहा वो उसको बोलते है पिनोसाइट्स फिर क्या है sides, आपको दे रहा, जो आपके आउटर स्ट्रक्चर को आउटर जो आ, इसकी को